वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, वाराणसी में इस आदेश को लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं? आदेश जी, अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो वो तो हम बात करके लोगों से अभी बताएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं, और जो आदेश है उसकी अभी जमीनी स्तर पर कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आई है। अभी जो यथास्थिति चीजें चल रही थी वही चल रही हैं। ऐसा कुछ खास देखने में नहीं आया कि आपकी आवाज अगर बाहर नहीं जाए इसके लिए कोई प्रयास किया गया हो या कोई प्रशासन की ओर से कोई अभियान चलाया गया हो, इस तरह की चीजें अभी फिलहाल सामने देखने में नहीं आई है। जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते जाते रहे हैं उनसे बातचीत करके हम प्रयास भी करते हैं जानने का कि आखिर ये चीज़ें इनको इनकी क्या राय है इस मुद्दे पर और क्या करना। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे जो कहा यह जाता है कि मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर होते हैं, फिर मंदिरों के ऊपर भी लाउडस्पीकर, तो ये लाउडस्पीकर का चक्कर क्या है? और एक प्रदेश सरकार का आदेश भी है कि अब जो आवाज़ है वो परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपका क्या इस पर बताएं? क्या है इसको हम नहीं बताएंगे, मत नहीं बता पाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आवाज़ आती है जैसे आप समाज जब कर रहे होते हैं तो उस दौरान लाउडस्पीकर बजते हैं, मंदिरों से भी कई बार ऐसे लाउडस्पीकर बजते हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार का ये आदेश है कि जो आवाज़ है वो परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपका क्या मत है? आवाज़ तो परिसर के बाहर नहीं जाती, बस अजान की आवाज़ जाती है जी, और नमाज पढ़ने या पढ़ाने की आवाज़ तो बाहर नहीं जाती जी, खाली अजान की आवाज़ जाती है। तो सरकार के इस आदेश का समर्थन है आप लोगों का? मतलब ये अच्छा आदेश है, अच्छी एक अच्छी पहल है? पहले अंदर स्पीकर चेंज करते नमाज होती थी, अब वो चीज़ नहीं होती, अब मस्जिद के अंदर ही आवाज़ रहती है, बस अजान की आवाज़ जाती है। यानी पहले से ही आप लोगों ने संज्ञान ले रखा है कि मतलब ये चीज़ें बाहर ना जाए, ये संज्ञान आप लोगों ने ले रखा। अच्छा, इस तरह के आदेश को आप क्या मानते हैं, इसको कितनी अच्छी पहल मानते हैं? जो आदेश है उसको फॉलो कर लिया जा रहा है। पहल तो भाई आज से हो रहा है अजान, एक जमाने से अजान हो रहा है। अजान में कितना समय लगता है? 4 मिनट 3 मिनट। अजान यहाँ हो रहा है, मंदिर में भी कुछ न कुछ होता रहता है, मस्जिद में अजान हुआ 3 मिनट 4 मिनट, फिर नमाज अंदर होता है, नमाज का तो कोई आवाज़ नहीं। तो गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है और कहा जाता है कि यहाँ अजान भी होती है और घंटियाँ भी बजती है, लेकिन जो युवा है वो क्या सोच रहे हैं? आपका क्या मतलब? सर, अब सबका अपना अपना एक वो है, जैसे कि अजान बहुत सालों से होती है, 1400 सालों से पहले उसके लाउडस्पीकर जो है 25 साल से 30 साल से, इससे कभी सरकार कभी भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, सवाल तो ठीक है आपको, लेकिन जो आदेश बिल्कुल सवाल इस सवाल पर आएंगे नीतीश, कुछ लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिर ऐसा आदेश क्यों, वो भी समझेंगे आपके जरिए।